हेलो एवरीवन। तो आज का जो वीडियो है वो आपको एकदम हिला के रख देने वाला है। सही बोल रहा हूँ, अगर जरा सा भी टसमस हुआ ना इस वीडियो को देखते हुए, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ना कि आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन पहले तो आप खुद से ट्राई कीजिएगा। वैसे क्वेश्चन आपको थंबनेल में ऑलरेडी पता चल गया होगा, तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं हुआ तो सोल्यूशन देखिएगा, और सोल्यूशन देखते वक्त जरा सा भी आपका कंसंट्रेशन डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप फिर से कंफ्यूज हो जाइएगा और आपको वीडियो फिर से देखना पड़ जाएगा। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है वो है, सेंड प्लस मोर इज इक्वल टू मनी। ये है क्वेश्चन। इस दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, हमें आउटपुट मिल रहा है मनी। यहां पे जितने भी लेटर्स आप देख रहे हैं ना, सबका जो है एक यूनिक वैल्यू है फ्रॉम 0 to 9। सबका क्या है, एक यूनिक वैल्यू है, यूनिक वैल्यू है 0 to 9। मतलब किसी भी लेटर का वैल्यू यहाँ पे सेम नहीं हो सकता है, हर लेटर का एक यूनिक वैल्यू है 0 से 9 तक। तो इस क्वेश्चन को आपको करना है और बताना है कि इसमें जितने भी लेटर्स यूज किया गया है वो सारे लेटर्स का क्या न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके और कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। तो चलिए पहले लिख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स यूज हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं MONEY, ओके। अदर देन डैट वी हैव यूज R, उसके बाद S और D। सो टोटल 8 लेटर्स हम लोग यहाँ पे, 8 लेटर्स हम लोग इसमें यूज किए हैं। इट मीन्स इट इस 8 लेटर्स का 0 से 9 तक का 8 यूनिक वैल्यूज होगा। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सबका वैल्यू फाइंड करते हैं। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से लिख लेते हैं और मैं बताऊंगा कि मैं एक बार फिर से क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, सेंड प्लस मोर इक्वल्स टू मनी। ठीक है, अब देखिए यहां पे इस क्वेश्चन का सबसे वीक पॉइंट कौन सा है। मैं लास्ट क्वेश्चन में भी जो ए प्लस बी प्लस सी सी वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी आपको बताया था कि सबसे पहले वीक पॉइंट पकड़िए। तो सेम उसी क्वेश्चन की तरह यहां पे भी जो वीक पॉइंट है वो ये नंबर है, एम है। अब एम कैसे है ये देखिए, एस और एम दोनों 0 से 9 तक कोई डिजिट है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम इस दोनों का मैक्सिमम वैल्यू भी लेते हैं, 9 और 9 भी लेते हैं, तो हमें यहाँ पे 18 मिलेगा। मतलब m का जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है या तो 0 हो सकता है। बट m तो 0 हो नहीं सकता है यहाँ पे, क्योंकि अगर 0 होता तो m यहाँ पे लिखा ही नहीं जाता। इसका मतलब m का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो चलिए m को हम लोग 1 से रिप्लेस कर देते हैं, तो m क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए, अब इस फर्स्ट रो को लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, S प्लस 1 इक्वल्स टू 10 प्लस O, 10 प्लस O, ये 0 नहीं है, ये O है, MONEY, सो 10 प्लस O। या तो एक और कंडीशन हो सकता है कि ये दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ से कुछ कैरी आया हो, और यहाँ से मैक्सिमम कैरी कितना आ सकता है, 1 आ सकता है। तो एक और कंडीशन है कि S प्लस 1 प्लस 1 कैरी इक्वल्स टू 10 प्लस ओ हो। ठीक है, बट अगर एस लेस देन 9 होता है, अगर एस लेस देन 9 होता है जैसे 8, 7 समथिंग, तो ये दोनों का एडिशन कभी 10 के बराबर होगा ही नहीं।
हमेशा 10 से छोटा होगा, इसका मतलब इस इक्वेशन के अनुसार s का वैल्यू क्या होना चाहिए, 9। अब इस इक्वेशन के अनुसार अगर हम s को 9 लेते हैं तो 9 प्लस 1 10 10 प्लस 1 11, सो 11 इक्वल्स टू 10 प्लस o, इट मीन्स o कितना मिलेगा हमें, 1 मिलेगा। यहाँ से o कितना मिल रहा है हमें, 0 मिल रहा है। अब s को अगर हम इस इक्वेशन में 8 लेते हैं तो 8 प्लस 2 10, तो यहाँ से अगेन o हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होता है कि o का वैल्यू या तो 1 होगा या तो 0 होगा, लेकिन m ऑलरेडी 1 हो चुका है इसलिए o 1 नहीं होगा, तो इसको हटा दीजिए, इसका मतलब o कितना होगा, 0 होगा। तो चलिए o को हम लोग 0 ले लेते हैं, मतलब अब ये 0 हो गया आपका, अब ये o नहीं रहा, ये 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए s का वैल्यू या तो 9 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है, दोनों इक्वेशन के आधार पे। अगर यहाँ से कैरी आ रहा है तो 8 होगा, अगर यहाँ से कैरी नहीं आ रहा है तो 9 होगा। मतलब हमें अब चेक करना है कि यहाँ से कैरी इस कॉलम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए ये इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, यहाँ से क्या मिलेगा हमें इक्वेशन, e+0 = n, या तो ये इक्वेशन होगा या तो यहाँ से एक कैरी आ रहा होगा, तो यहाँ से जब एक कैरी आ रहा होगा एक, तो 1+e+0 = n, ये दो इक्वेशन मिलेगा हमें, ठीक है। अब देखिए अगर e+0 = n हुआ, मतलब e जो होगा वो n के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, ये इक्वेशन सही नहीं है। मतलब एक कैरी इधर से आ रहा है फॉर श्योर, इस कॉलम से एक कैरी यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये इक्वेशन पे हमें अब ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि 1+e + 0 = n, इट मीन्स 1+e = n, ठीक है। अब देखिए n e जो होगा, e का मैक्सिमम वैल्यू 9 है, तो 9 अगर हम लेते हैं e को, तो 9+1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मतलब n 0 हो जाएगा फिर से, ठीक है। और इसको हम n के जगह पे 10+n भी लिख सकते हैं, 10+n भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट n भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यूनिक सिंगल डिजिट होगा तो डायरेक्ट n होगा, अगर कैरी आ रहा है तो 10+n होगा। अब देखिए e का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 9 है। अगर हम e को 9 लेते हैं तो 9+1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा मतलब n कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जबकि n 0 हो नहीं सकता क्योंकि o ऑलरेडी 0 है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 1+e जो होगा वो हमेशा लेस देन 10 होगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो 10 हो रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू अगर 10 नहीं होना हो सकता है, इसका मतलब n जो होगा लेस देन 10 होगा, और n अगर लेस देन 10 होगा तो e कितना होगा, लेस देन 9 होगा, ठीक है। अगर n लेस देन 10 है, इसका मतलब यहाँ से कोई कैरी नहीं आ रहा है, यहाँ से कोई कैरी नहीं आ रहा है, मतलब ये इक्वेशन सही है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कैरी नहीं आ रहा है। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो यहाँ से हमें s+1 = 10, ओ कितना है, 0 है, तो 10+0 = nothing but 10, तो s+1 10 है, इसका मतलब s क्या मिलेगा हमें, यहाँ से 9 मिलेगा, ठीक है। तो s का वैल्यू क्या मिला हमें, 9 मिल गया, ठीक है। अब देखिए 1+e = n, इसको हम लोग यहाँ पे लिख के रखते हैं, तो क्या मिला हमें, 1+e = n, ये एक इक्वेशन मिला है 1+e, तो क्या मिला हमें यहाँ से, s 9 मिल गया, तो चलिए s के जगह पे 9 रख देते हैं, ये 9 है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अगले इक्वेशन, अगले कॉलम में। तो अगला कॉलम में क्या है, n+r+e, या तो n+r = 10+e होगा, ठीक है, या फिर n+r+1 = 10+e होगा, मतलब ये 1 क्या है, यहाँ से कैरी आ रहा है। अब हम n+r = e क्यों नहीं लिख रहे हैं, 10+e क्यों लिख रहा है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से एक कैरी आ रहा है, यहाँ पे 1+e = n, यहाँ से एक कैरी आ रहा है, इसका मतलब ये इस दोनों को ऐड करने के बाद सिंगल डिजिट नहीं मिलेगा, हमेशा डबल डिजिट ही मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग n+r = e नहीं लिख रहे हैं। अब देखिए
यहाँ से हमें क्या मिलेगा, n के जगह पे हम 1 प्लस ई रख देते हैं, तो n के जगह पे 1 प्लस ई अगर इस इक्वेशन में रखते हैं तो क्या मिलेगा, 1 प्लस ई प्लस आर इक्वल्स टू 10 प्लस ई, तो e और e तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें क्या मिला, r इक्वल्स टू 10 माइनस 1 9, बट r 9 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्योंकि s ऑलरेडी 9 हो चुका है, इसका मतलब ये इक्वेशन गलत है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका मतलब ये भी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब ये इक्वेशन सही है। तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, तो n कितना है, 1 प्लस ई, सो 1 प्लस ई प्लस आर प्लस 1 इक्वल्स टू 10 प्लस ई, अब अगेन e और e कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या मिला हमें, 1 प्लस 1 2 आर प्लस 2 इक्वल्स टू 10, तो r क्या मिल गया हमें 8, तो r क्या मिला हमें यहाँ से 8 मिल गया, तो r की जगह पे हम 8 डाल देते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आते हैं, तो इस इक्वेशन में आते हैं, तो d प्लस e इक्वल्स टू टेन प्लस वाई, ये हमें मिल रहा है। अब इस इक्वेशन में क्या था, पिछला इक्वेशन में आप एक कैरी यहाँ पे आ रहा था, इसका मतलब d प्लस ई जो होगा हमेशा 10 प्लस वाई के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे m का वैल्यू जो ऑलरेडी 1 और 0 हो गया है, तो y जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, y जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, इट मीन्स d प्लस ई जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 12 होगा, 10 प्लस 2 12। अब d प्लस ई अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 12 होगा और r और s ऑलरेडी 8 और 9 हम लोग को मिल चुका है, इसका मतलब d और e का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, या तो 7 6 या फिर 5, या तो 7.5 हो सकता है या फिर 7.6 हो सकता है, 7 प्लस 5 12, 7 प्लस 6 13, 7 प्लस 4 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि वो 11 हो जाएगा, 12 से छोटा हो जाएगा। अब यहाँ से हमें ये पता चलता है कि D और E में से कोई एक वैल्यू तो 7 है ही है, होगा ही होगा। अब चलिए चेक करते हैं कि D और E में से किसका वैल्यू 7 होगा, तो अगर हम E को 7 ले लेते हैं, अगर हम e को 7 ले लेते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस e इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, है तो 1 प्लस 7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8, इसका मतलब यहाँ से हमें e को 7 लिए तो n क्या मिला हमें, 8, बट r ऑलरेडी 8 हो चुका है, इसका मतलब e 7 नहीं हो सकता है, e 7 नहीं हो सकता है, अगर e 7 नहीं हो सकता है तो क्या होगा, d 7 हो जाएगा, तो चलिए d का वैल्यू हमें 7 मिल गया, तो d का वैल्यू क्या मिला हमें, 7, ओके। अब देखिए e का वैल्यू या तो 5 होगा या तो 6 होगा, ये दोनों ऐसा कोई होगा, तो चलिए देखते हैं कि e का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो अगर हम e को 6 लेते हैं, अगर हम e को 6 लेते हैं तो इस इक्वेशन से n क्या मिलेगा हमें, 7 मिलेगा, बट d ऑलरेडी 7 हो चुका है, मतलब e को हम 6 भी नहीं ले सकते हैं, इसका मतलब e कितना होगा, e होगा 5, तो चलिए e को हम लोग 5 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे e 5 लिख देते हैं और यहाँ पे भी e के जगह पे 5 लिख देते हैं, ठीक है। तो फाइनली क्या बचा हमें, y और n का वैल्यू, तो अगर e अगर 5 है तो 5 प्लस 1 n कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 6, तो n क्या मिल गया हमें, 6, तो n के जगह पे 6 लिख दिए। अब 7 और 5 अगर हमें पता चल गया तो y कितना हो जाएगा, 2 होगा, ठीक है, तो y का वैल्यू क्या मिला हमें, 2 मिल गया, तो ये हो गया 2, e कितना मिला हमें, 5, तो यहाँ पे 5 लिख देते हैं, ये हो गया आपका आंसर, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो यहाँ देखिए सबका यूनिक वैल्यू है ना, अब चलिए मिला कर देख लेते हैं, तो 7 प्लस 5 कितना होता है, 12 का 2 कैरी 1, सो कैरी 1 एंड 6 7, 7 प्लस 8 15, अगेन कैरी 1, सो 1 प्लस 5 6 एंड 9 प्लस 1 10, आ गया ना, तो सॉल्यूशन है ना, बहुत खतरनाक है ना, अगर जरा सा भी इधर उधर हुआ ना, एक भी केस इधर उधर अगर आप मिस कर दिए ना, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा फिर,
और या तो आप, अब देखिए मुझे से यहाँ पे समझाना है, समझाने का मतलब है कि मुझे सारा केस लेना पड़ेगा, वरना आप क्वेश्चन कीजिएगा फिर कमेंट में डालिएगा फटाफट कि सर ये वाला केस तो आपने लिया नहीं, ये भी तो हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे सारा केस लेकर दिखाना भी था आपको, तो सोल्व करना और किसी को समझाना दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ से अब आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार ईयरफोन लगाइए और ईयरफोन लगाकर फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ एक बार वीडियो फिर से देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक खतरनाक वाला कॉन्सेप्ट के साथ। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।